सो दोस्तों, ये रहा एक्लोपोलिस का एंट्रेंस, जो कि पूरा ऐसा लुक है, अब देख सकते हो। अब चलते हैं अंदर और आपको बताते स्टेप बाय स्टेप अंदर कौन कौन सा स्टोर है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आया हूँ कलकत्ता के एक्लोपोलिस मॉल पे और इस मॉल का आपको पूरा का पूरा टूर देने वाला हूँ। ये मॉल कैसा है और अंदर में यहाँ पर कौन कौन सा स्टोर है और इस पर क्या क्या है, तो ये ब्लॉग को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर दो एंट्री और एग्जिट गेट मिल जाएगा, जो कि एक एंट्री गेट ये है और एक एंट्री और एग्जिट गेट आगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। और एक ये एंट्री और एग्जिट गेट यहाँ पे, ठीक है। आप जैसे ही एंट्री करोगे ना तो आपको कुछ इस तरह का लुक मिलेगा, जो कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको सिंपली आप फ्रंट में आपको आईफोन का मिल जाएगा स्टोर और उसके बगल में वर्ल्ड ऑफ टाइटन यानी कि घड़ी का टाइटन का स्टोर मिल जाएगा और सामने आपको दिख रहा होगा शॉपर्स स्टोर लिखा हुआ है, जो कि आपको बैग उग का है, लेडीज बैग का है। और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि आप फेस पे यूज़ कर सकते हो, द बॉडी शॉप यानी कि बॉडी पे यूज़ कर सकते हो। और क्रिसमस चल रहा है इसलिए क्रिसमस का पुतला यहाँ पे है। अब मैं चलता हूँ अंदर और आपको दिखलाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सा स्टोर है और यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का लुक देख सकते हो, ये बना हुआ है। और यहाँ पर आपको स्टारबक्स कॉफ़ी शॉप मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर आके कॉफ़ी भी पी सकते हो। और आपको यहाँ पर लोटस का मिल जाएगा कंपनी, जो कि आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा लोटस का। अब मैं राउंड मारता हूँ इधर, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चे लोग का, देख सकते हैं टेडी बियर, मतलब लिटिल शॉप। तो मैं शॉप पे एंट्री कर गया हूँ, आपको लिटिल बच्चे लोग का शॉप यानी कि ये कैटरपिलर है, देख सकते हैं। और ये गुड़िया है और ये छोटा सा बाइक, जो कि स्पोर्ट बाइक बच्चा लोग का। और आपको ये है बच्चा लोग का क्लोथ्स भी है, बच्चा लोग का चप्पल है और ये टॉयज है बच्चा लोग का। ये मिनी माउस है, डिज्नी में जो माउस आता था ना वही है। और ये बच्चा लोग का ड्रेस है इधर। बस इस शॉप में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही सब है। और मैं अब जाता हूँ बाहर और आपको आगे दिखलाता हूँ दूसरे शॉप पे। अगर आप बच्चे लोग को लेकर आओगे तो यहाँ पर आप राइड भी करवा सकते हो, जो कि कार का और बाइक का है। और यहाँ पर लिटिल शॉप जो मैं आपको दिखला दिया हूँ, और यहाँ का नाइका का ऑन ट्रेंड यानी कि नाइका का शोरूम है, जो कि आपको लड़की लोग के लिए है। और यहाँ पर जैक का शोरूम है, जो कि कपड़ा का है। यहाँ पर मतलब कितना बड़ा जैक का शोरूम है। अब मैं चलता हूँ सेकंड फ्लोर पे, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे, ये तो मेरा ग्राउंड फ्लोर है। अब मैं चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और आपको फर्स्ट फ्लोर पे कौन कौन सा शोरूम है वो भी मैं आपको दिखलाता हूँ। तो मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही आते ही आपको सामने में दिख जाएगा जूता का शोरूम, जो कि आपको कंपनी है शायद स्केचर्स का, ठीक है। ये शोरूम आपको जूता का है शोरूम। और यहाँ पर आपको कैंडीज मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कितना कैंडीज है। अब मैं चलता हूँ आगे और आपको आगे दिखलाता हूँ कि आगे कौन कौन सा स्टोर है। ये देख सकते हैं लिखा हुआ मेक ओवर इन प्रोग्रेस, यानी कि इसमें कुछ खुलने वाला है तो ये प्रोग्रेस में है। अब आपको यहाँ पर लिनोवो का शोरूम मिल जाएगा। अगर आपको लिनोवो का कंप्यूटर लेना है या लैपी लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो इजीली। अब मैं जाता हूँ देख सकते हैं लिवाइस का है शोरूम, यहाँ पर लिवाइस का कपड़ा कंपनी मिल जाएगा आपको। यहाँ भी आपको इसका शोरूम है और यहाँ पर आपको अगर मेहंदी लगाना तो मेहंदी भी लगा सकते हो, ये मेहंदी का स्टोर है। अब यहाँ पर पूरा राउंड मारता हूँ, आपको पूरा दिखाता हूँ कि अंदर कौन कौन सा स्टोर है। और ऊपर से कुछ आपको लुक इस टाइप का दिखता है, देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर कवर भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कवर मिल जाएगा। और यहाँ पर पूमा का शोरूम है, जूता से लेकर कपड़ा तक सब मिलेगा। यह सैमसंग का शोरूम है, टैब उप सब मिलेगा, फ़ोन उप सब मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको ऑप्टिकल्स यानी कि चश्मा का शोरूम है। और यहाँ पर आपको वीआईपी का शोरूम,
यहाँ पर आपको वन प्लस का शोरूम, यहाँ पर आपको कैनन का शोरूम है, जो कि आपको अगर कैमरा परचेस करना है तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब मैं टर्न लेता हूँ और टर्न लेके मैं सीधा जाता हूँ, और सीधा जाने के बाद आगे मैं आपको दिखलाता हूँ कि कौन कौन सा शोरूम आगे है। यहाँ पर आपको बाटा का शोरूम भी मिल जाएगा, अगर आप बाटा का यूज़ करते हो चप्पल उप्पल तो यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर आपको क्या बोलता है उसको, कप उप वगैरह मिल जाएगा, मिनी शो लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर वाइल्ड क्राफ्ट का भी शोरूम है, अमेरिकन टूरिस्ट का भी शोरूम है, और यहाँ पर परफ्यूम भी मिल जाएगा आपको। वो फंडू बास्केट लिखा हुआ है, देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा यहाँ पर सो पीस के लिए है कार्टून सा। अब मैं चलता हूँ आगे, अब यहाँ पर मेट्रो का है शोरूम, और यहाँ पर क्रॉक्स का है, यहाँ पर शॉपर्स स्टॉप यानी कि सब प्रोडक्ट मिलके है, और यहाँ पर वर्ल्ड का यानी कि एचपी का है। अब मैं चलता हूँ सेकंड फ्लोर पे और आपको दिखाता हूँ कि सेकंड फ्लोर पे कौन कौन सा स्टोर है। और ये रहा हम लोग का मतलब कि एक्लोपोलिस का बाथरूम, जो कि ऐसा है। सुसु करने कहाँ है, इधर है सुसु करने का, तो पहले मैं सुसु कर लेता हूँ उसके बाद आपसे बात करता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं सुसु कर लिया हूँ, हाय। अब मैं आपको दिखलाता हूँ कि आगे क्या क्या है, मतलब कि ऊपर फ्लोर पे। अब मैं चलता हूँ सेकंड फ्लोर पे और आपको दिखलाता हूँ कि सेकंड फ्लोर पे कौन कौन सा स्टोर है और इसके ऊपर क्या क्या है। देख सकते हैं यहाँ पर आई नोटिस सैंड पॉलिश भी है, यानी कि आप यहाँ पर फिल्म भी देख सकते हो, और यहाँ पर कुछ इस टाइप का लुक है। बहुत ही सुंदर मॉल है और बहुत ही बड़ा भी मॉल है। अगर आप कोलकाता विजिट कर रहे हो तो आप यहाँ पर इस मॉल पर विजिट ज़रूर करो। ये पर आपको स्पेंसर मिल जाएगा, अब आपको वहाँ भी स्पेंसर का ही है। इधर से मैं चलता हूँ क्योंकि इधर पूरा स्पेंसर है। यहाँ पर आपको ऑरेलिया का है शोरूम, चलते इधर। यहाँ पर ऑल द प्लस साइज स्टोर, यानी कि आपको बड़ा बड़ा कपड़ा यहाँ मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है टॉपिक इसका, मतलब कि इसका दुकान का नाम है। तो यहाँ पर आपको ज्वेलरीज भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको हाजमा वाला करने का मिल जाएगा, और यहाँ पर आइस के लिए जो जो लगता है वो मिल जाएगा, यहाँ बेक्स मिल जाएगा, और यहाँ टैटो दुकान है, यहाँ पर आप टैटो भी करवा सकते हो आके। और यहाँ पर साक्षी यानी कि कोई स्टोर है, और यहाँ नेल स्टोर है, यहाँ बैग का स्टोर है, यहाँ पर शॉपर स्टॉप है, यानी कि यहाँ पर से शॉपर स्टॉप यानी कि शॉपर स्टॉप, यहाँ पर शॉप करो और स्टॉप हो जाओ। तो यही है इधर का। अब चलते हैं थर्ड फ्लोर पे, अब थर्ड फ्लोर पे क्या है वो देखते हैं। अगर आपको स्पा करवाना तो आप यहाँ से स्पा भी करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लेडी स्पा है, यानी कि अगर आप बॉय हो तो यहाँ पर गर्ल्स आपको स्पा करेगी, ठीक है। और चार्ज ज़्यादा नहीं है, मैं यहाँ पर जाके चार्ज पूछ के आया हूँ, 1500 आपको चार्ज है, समझे। और आपको लगभग, अरे तरीके मैं उल्टा घुस गया हूँ, मैं उलट के उस पर जाना पड़ूंगा, मतलब उस पर जाना पड़ेगा, मतलब कि स्पा करवाने के लिए आपको 1500 चार्ज है। और अंदर में अगर आप एक्स्ट्रा सर्विस लेते हो तो आपको कम से कम 3000 से 4000 रुपये पे करना पड़ेगा, बस यही आपको पे करना पड़ेगा। अब मैं जाता हूँ इसके ऊपर और आपको थर्ड फ्लोर पे दिखाता हूँ कौन कौन सा शॉप है, स्टोर है, ठीक है। देख सकते हैं थर्ड फ्लोर से कैसा दिख रहा है मॉल। और यहाँ पर टाइम जोन है, यानी कि गेम का जोन है, और यहाँ पर आप ये लेते हो तो यहाँ पर आपको 3D गेम खिलवाता है। मैं भी ट्राई किया था, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होगे, मैं ये वाला ट्राई किया हूँ। और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा फूड मिलता है, जो कि थर्ड फ्लोर पे, यहाँ फूड स्टोर ज़्यादा है, देख सकते हैं बर्गर। यानी कि देख सकते हो बर्गर किंग, वाओ वाओ चाइना, आपका पूरा का पूरा फूड स्टोर है।
वहाँ पर आपको कॉफ़ी वर्ल्ड मिल जाएगा और डोमिनोज भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको KFC भी मिल जाएगा, KFC भी ट्राई कर सकते हो। और कुछ इस तरह का लुक ऊपर से देख सकते हैं, और आपको थर्ड फ्लोर से ऊपर से सीन आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, देख सकते हैं। मेरे को लग रहा है ये स्टेडियम है। अगर आप इस होटल में आए हो और स्टेडियम में मैच चल रहा है ना, तो बड़ी मज़ा आ जाएगा मैच देखने में। यहाँ पर कुछ इस तरह का लुक आप देख सकते हो, और यहाँ पर फूड वगैरह मिलता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसके ऊपर। अब इसके ऊपर भी आपको मैं दिखलाता हूँ। यहाँ पर आप कपल्स के साथ आके एंजॉय कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। अब ये गेमिंग जोन है, आप देखते हैं गेम जोन में क्या होता है। इसके अंदर चलते हैं, आप कुछ इस तरह गेम खेल सकते हो यहाँ पे। और ये बाइक है, देख सकते हैं यहाँ पर बाइक। ये सारा गेम है, यहाँ पर वीडियो अलाउ नहीं है। बच्चे कितना अच्छा खेल रहा है, भाई सिटी खेल रहा है। ओ भाई, ये सब गेम है यहाँ पर, आप खेल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। अब मैं चलता हूँ बाहर। ये घोड़ा का भी है, घोड़ा भी से आप चला सकते हो। अब मैं चलता हूँ बाहर और उसके ऊपर दिखाता हूँ क्या क्या है। यहाँ पर आपको प्राइस दिख जाएगा गेमिंग का, कैश बैलेंस इतना, 500 रुपये आप रिलोड कराओगे तो 76 आपको GST कटेगा, कैश इतना देगा, बोनस इतना देगा, और आपको 425 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। तो आप इससे इजीली गेम खेल सकते हो, ये भी खेल सकते हो और ये भी खेल सकते हो। अब चलते हैं बाहर की ओर। ये भी आपको कैंटीन जैसा है, जो कि एक्लोपोलिस में थर्ड फ्लोर पर अवेलेबल है। आप यहाँ पर आके ब्रेकफास्ट या डिनर या बोले तो लंच कर सकते हो। कुछ आपको इस तरह का लुक दिखेगा ऊपर से, अब मैं दिखाता हूँ। अब पता नहीं ऊपर है कि नहीं, और ऊपर जाता हूँ देखता हूँ आपको दिखाता हूँ। ये टी बार, चाय वाय पी सकते हो, या कुकीज है, कुकीज भी खा सकते हो, रेट देख सकते हो। अब लगता है चलने वाला सीढ़ी हो गया खत्म थर्ड फ्लोर के ऊपर। अब ये चौथा फ्लोर है, अब इसके ऊपर मैं जा रहा हूँ। अब इसके बाद पता नहीं क्या है। यहाँ पर भी एक कैंटीन है जो कि बंद पड़ा हुआ है अभी फिलहाल। और हाँ, एक बात बता दूँ आपको, यहाँ पर आप मैचिंग मैच खेल सकते हो, जो कि बैट बॉल से इसके अंदर मैच प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका बॉल बाहर नहीं जाएगा। ये है यहाँ पे, और ऊपर में आपको देख सकते आसिया किचन, यानी कि वहाँ पर खाना वगैरह है। और वहाँ पर हॉपी पोला है, यानी कि ड्रिंक प्ले कर सकते हो, यानी कि बार टाइप का है ऊपर में। बस यही है पूरा एक्लोपोलिस का मॉल। सो गाइस, आपको ये मॉल का टूर कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये बाल है कि मानता ही नहीं है, बार बार इधर हो जाता है। ठीक है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। अच्छा लगा तो मेरे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और कुछ नहीं, ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये ब्लॉग को वहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।